कभी आपने जूते चप्पल की लाइन लगते हुए देखा है? देखना छोड़िए, आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक ऐसी मंडी जहां जूते चप्पल के लिए लाइन लगती है, जहां नींद खुलते ही किसान पानी गिरे या फिर ओले मंडी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जबलपुर की सहपुरा मंडी की, जहां डीएपी के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगती है। लिहाजा जब किसान के पैर दर्द देने लगते हैं, तब किसान नया पैतरा आजमाते हैं और सभी किसान अपने जूते चप्पल अपनी जगह में रखकर किनारे बैठ जाते हैं। यह लाइन कई मीटर लंबी होती है। जबलपुर का मटर एमपी में ही नहीं भारत में फेमस है, लिहाजा इसी मटर की बोनी के लिए किसानों को डीएपी की जरूरत होती है, जिसको लेकर किसान सहपुरा मंडी पहुंचते हैं। इस मंडी में बेलखेड़ा, चरकबा और सहपुरा के हजारों किसान निर्भर हैं। नतीजन एक मंडी होने के कारण सारा दबाव सहपुरा मंडी में होता है। यही कारण है 6 घंटे पहले सुबह से ही किसान मंडी में पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को खाली हाथ लौटना भी पड़ता है। से आया हूँ, 4 बजे रात से बैठा हुआ हूँ और यहाँ जूते चप्पल पत्थरों की लाइन लगा के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और अधिकारी 11-12 बजे आते हैं, ऑफिस खोलते हैं, बारिश होती है, बारिश में यहाँ किसानों की व्यवस्था नहीं है। 55 एकड़ की वहीं लेके आया था जिसमें मेरे को मात्र 7 बोरी डीएपी यहाँ से प्राप्त हुई। मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस चीज़ पर गौर करे। बोनी के दौरान किसान प्राइवेट डीएपी पर भरोसा नहीं करते हैं। किसानों का भरोसा आज भी शासकीय डीएपी पर है। यही कारण है किसान अपनी फसल को बर्बाद होना नहीं देखना चाहते। जानकारी के मुताबिक किसानों को 3 रुपए की पल्लेदारी के साथ करीब 1353 रुपए में डीएपी की एक बोरी मिलती है, जबकि यही बोरी प्राइवेट दुकानों में 1500 से 1600 रुपए तक है। किसानों को डीएपी के लिए मंडी में बही दिखाना होता है, जहां मंडी में बही को देखा जाता है और 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी दी जाती है। लिहाजा आपूर्ति कम होने की वजह से किसान डीएपी मिलने से वंचित रह जाते हैं। बहरहाल यदि सरकार बेलखेड़ा और चरकबा में मंडी खोल देती है, तब किसानों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और लंबी लाइन से किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।